एक बार फिर से एसटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। पठानकोट से आ रही है बड़ी खबर। पठानकोट के सिविल अस्पताल में एक बार फिर सुर्खियों में आया डॉक्टर की लापरवाही से हुई नवजात शिशु की मृत्यु। पठानकोट के सिविल अस्पताल में आए दिन सुर्खियों में आता ही रहता है, पर हर बार अस्पताल का प्रशासन अपने डॉक्टर की लापरवाही छिपाने के लिए पल्ला झाड़ देता है कि उनकी ओर से कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई। या फिर एक बार ऐसा ही मामला सिविल अस्पताल में सामने आया। यहाँ के नवजात बच्चे की डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो गई। पूजा जी की गलबात हुई है? हाँ, सवेरे 9 बजे आए हैं इतने। 9 बजे तो लाके 2 बजे तक इन्हों का ट्रीटमेंट चलता रहा। डॉक्टर साहब तो आए नहीं है इतने, तो इन्हों का मतलब कि नर्सा ही अपना ट्रीटमेंट कर दया रही। तो बस वो बच्चा डेड जी, बच्चा डेड हो गया। तो आई आके बच्चा डेड हो गया तो तुम सूँ पहले दसना सी? नहीं जी, हूँ बच्चा डेड है तो हूँ मतलब कि दो अं बच्चा डेड लैके मतलब कि घर हॉस्पिटल लैके चल गए रसवान को, जिस वो को लैके चल गया। तो फिर उन्होंने भी कहता कि जी बच्चा डेड है तो घर लाओ। अं घर लैके आ गया तो साड़ी बोटी मगरों ज़्यादा सीरीयस हो गई है, तो हूँ कहते कि अंबरसर रैफर कर दो। मतलब कि ना डॉक्टर आते है, सिर्फ नर्सा ही अपना ट्रीटमेंट कर दया रही। कोई भी नहीं गया है नाल, तो कोई जो डॉक्टर की लापरवाही करके बच्चा मरिया है बथेरे पैसे लग गए। मेरी सास पता होना है किन्ने पैसे लगे कि नहीं लगे। बारो भी दवाइया मंगवाई? हां जी, बारो भी दवाइया मंगाईया। किन्ने पैसे खर्च हो गए? 5-7 हज़ार दिया। बारो दी दवाइया लिया, कोई टीका लिया, कोई कुछ लियावो, बारों दी लियाओ, अंदरों तो कुछ भी है नहीं है। बस ये सजा बूटे बटे लाते रहे, बस होर कुछ नहीं है। डेंगू फलान टिंग बस इदा ही है, होर कुछ नहीं है इतने। सिविल हॉस्पिटल पठानकोट च एक्चुअली जो भी कोई चाइल्ड की डैथ होंगी तो असं फुली इनवैसटीगेट करते हैं। ये भी असं इनवैसटीगेट करा, CDR पूरी साड़ी होएगी। पर जो मैं रात को पता चलिया है, जो मैं इनवैसटीगेट किया है और जो असी मैं फोन पर गलबात हुई है, ये डॉक्टर या किसी भी नर्स की एक पैसे की भी कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि जोड़ा बच्चा जो होंगे कई बार अनफॉर्चुनेटली किसी किसी केस के बच्चे की जी नैक होंगी वो अराउंड कॉड आ जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी, वो कुछ भी नहीं किया जा सकता और बच्चे को बचाना जोड़ा यहोजे केस के बहुत मुश्किल होंगे। सो इस करके वो बच्चे की डैथ हुई है। जिहड़ा बाकी जिहड़ी लेडी नूं जिहड़ा टीयर होया सीगा वो असी मैनेज किया। लेडी नूं पूरे ब्लड्स वगैरह लगा के पूरा सैटल करके सारे गायनेकोलॉजिस्ट सारे डॉक्टर्स इत्थे साडे इकट्ठे हो गए सीगे और उन्हें प्रॉपरली मैनेज करके असी अपनी गड्डी ते उन्हें रैफर किया है अमृतसर। सर जिस तरह उन्हों का कहना है भी 4-5 घंटे जरा लेबर रूम च उन्हें रखे, लेकिन उसकी केयर नहीं की और जिसले उन्होंने दर्दा शुरू हो गई और पेट दबा दबा के जिस तरह उन्होंने कहते पेट के निशान भी है काफ़ी वो दबाने के करके उसकी डैथ हुई है बच्चे की? ऐसी कोई ना तो दबाने के करके कभी बच्चे की डैथ होंगी ना ही ऐसी कोई गल होंगी। साढ़े को करीब 400 तो लैके 500 तक डिलीवरीज महीने दी हो रही हैं और सारे जो स्टाफ है बहुत ही एक्सपर्ट हैगा। एक गल तो कभी मनी नहीं जा सकती कि किसी के इस तरह की गल हुई हो। बट अदरवाइज जी गल हैगी है कि जितों तक 4-5 क्योंकि यह प्रोसैस जोड़ा लेबर का नॉर्मल लेबर का प्रोसैस जोड़ा होंगे वो अप टू 24 आवर्स होंगे जिड़ी अलग अलग 3 स्टेजिज के होंगे। सो इसलिए यह कहना कि वो केयर नहीं हुई और बिल्कुल लेबर रूम के और बार बार साड़ा पार्टोग्राफ बनता हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्होंने चैक किया जाता और जो भी कोई कंप्लीकेशन आती है असं फटाफट सिजेरियन कर दें। इस पेशेंट के कोई कंप्लीकेशन नहीं आई, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी के कॉर्ड एकदम बच्चा जो बाहर आते आते कॉर्ड वो नैक से लग जाए तो बच्चा एसफिक्सीएट कर जाता है, जिसे कि मैं अगर दसिया कि वो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सर उन्होंने घरद का कहना है कि उन्होंने को 6-7 हज़ार रुपया जी दवाइया बाहरों भी मंगवाई गई। यह बिल्कुल गलत गल हैगी है। एबसोल्यूटली एक भी पैसे का सिविल हॉस्पिटल पठानकोट के मैं गरंटी दिना कि बच्चे की below 5 years या लेबर के असी कई कई बार 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के टीके जोड़े असं मंगवाने। अनफॉर्चुनेटली अगर बाईचांस अगर कोई पेशेंट एकदम उन्होंने बाहरों लिया पै जाता तो असं उन्होंने पैसे पूरे वापस करवाने, असं बिल लैके पूरा एक एक पैसे का हिसाब किताब देने। सानू कई बार इस तरह भी होंगे कि कई बार पेशेंट नूं असी 8-8 हज़ार रुपए का टीका लगाने और एक भी पैसा जोड़ा ये गरंटिड हैगा कि एक भी पैसा असी पेशेंट का खर्च नहीं होने देंगे। ये बाय गरंटी आई कैन से दिस थिंग।